कैमरा साफ करने के लिए कह रही है। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? हम आ चुके हैं अपनी एक नई वीडियो लेके जूस के साथ। पाइनएप्पल जूस पी रहे हैं हम आफ्टर वर्कआउट। एंड आज मैं दिखाऊंगा, मैं थोड़ा श्रुति को पैम्पर करूंगा बिकॉज श्रुति थोड़ी सी डाउन है। सो आज हमारा फर्ज बनता है, आज हमारा फर्ज बनता है कि एक महिला की हम पूरी केयर करेंगे, क्योंकि आज महिला की तबीयत खराब है। खराब है महिला की तबीयत और महिला के मूड हो रहे हैं स्विंग, तो महिला से बचें और उनकी केयर करें। सैनिटरी पैड ले लिया है, पनीर ले लिया है, ब्रेड ले लिया है, आज इसको खिलाएंगे पिलाएंगे क्योंकि आज ये परेशान है। लो अपना सामान। मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, मैं ब्रेड लाया, सैनिटरी पैड लाया, पनीर लाया, सब कुछ लाया, उसके बाद भी इसका पेट नहीं भर रहा। गाइस, इसने मुझसे क्या मांगा है? चॉकलेट, फेरेरो रोशर। इतनी महंगी चॉकलेट मेरे खानदान में किसी ने नहीं खाई। तेरे खानदान ने खाई है? हाँ, मेरे परदादा खाते थे फेरेरो रोशर। जब तक तो आई भी ना हो। मैं सच बात बताऊ तो मुझे बड़ी शर्म आई पहले तो केमिस्ट पे जाके ये सब मांगने में, बट अंकल ने मुझे बहुत अच्छी निगाह से देखा और बोला वेरी गुड बेटा, तो मेरे को बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत अच्छा लगा कि मैंने जैसे वीर गति प्राप्त कर ली हो। गाइस, आप भी ये वीर गति प्राप्त करें और खरीदें गर्ल्स के लिए। जरूरत पड़े तो खुद भी लगाएं। क्योंकि बॉयज के भी मूड स्विंग्स होते हैं कभी। हमारे मूड्स चाटा ना खा लेना। मुझे कह रही है तो क्या हो गया, आपने एहसान कर दिया ये सब लाके? ये तो हर एक आदमी को करना चाहिए, करना चाहिए। तो भाई करा है मैंने, प्रॉब्लम क्या है? करना चाहिए। जब तुम अपनी गर्लफ्रेंड को 24 घंटे कर सकते हो तो ये भी तो कर सकते हो। गंदा बोल रही है, फैमिली कंटेंट है गाइस। कर सकते हो तो ये भी उसी का हिस्सा होता है भाई। हम सोशल मीडिया पे इतना प्यार नहीं जता सकते, सॉरी। टांग फंस गई है, इस साइड है दीवार, अब मैं यहाँ से उतर नहीं सकता। उतर, तू उतर। मूड स्विंग मेरे है या आपके? मेरा ही हो जाएगा सब कुछ मूड स्विंग। कहाँ कहाँ से उतरना पड़ रहा है? अरे मेरी कोकोनट ऊपर ही है। तो इसने लिया कोकोनट मीट। हाँ, मीट नहीं भाई, इसको कोकोनट मीट ही कहते हैं। आपको बार बार बताना पड़ता है, तो शाश्वती व्लॉग्स को सब्सक्राइब करो, करो करो, जल्दी करो। डाइट बहुत अजीब है, इसने मेरे को ऐसा बोला, बट फिर भी मैं इसके घर में घुस गया हूं। मार भी दूंगी आज, ये मुझे मार भी सकती है गाइस, और मेरा खून ही खून निकल जाएगा। हमारी कोई भी बात होती है ना, ये अपनी मम्मी को बता देती है और फिर इसकी मम्मी मुझे ना डांटती है, और ये इसने मेरी बेइज्जती करा दी। करो मेरी बेइज्जती करवाओ, मेरी बेइज्जती करवाओ, मेरी बेइज्जती करो, मेरी बेइज्जती करो, मेरी बेइज्जती करवा। घर पे आ गया मैं गाइस, मेरी बेइज्जती होती है यहाँ पर। घर पे आने के बाद मेरा मन कर रहा है कि मैं अपनी खातिरदारी कराऊँ, इसके छोड़ देता हूँ। अच्छा थोड़ा सा जहर पिला दो गाइस मेरे को। काम तो वैसे ऐसे ही है आपके, फिर भी आप क्या पीएंगे? इतना कर लिया उसके बाद भी काम मेरे ऐसे ही है, मेरे को जहर खा लेना चाहिए। प्लीज गाइस कमेंट करके बताइए कौन सा जहर अवेलेबल है मार्केट में जिससे मौत हो जाए। इससे पहले मेरे को गुस्सा आया, बता दे आप क्या पीएंगे? मैं तो सो रहा हूं गाइस, भाड़ में जाइए मत पीजिए। कुत्ते के लिए लाया हूं एक नई टी-शर्ट। लो शुक्र, टी-शर्ट लाया है, नई टी-शर्ट दिखाओ, खोल के दिखाओ, मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूं। क्या लगा के लिया? बूर, बूर। हमारे पास बहुत गरीब है, हम हमें पैसा भेजिए। हम नहा चुके हैं, अब बाकी है, मतलब मैं नहा चुका हूँ, अब बाकी बारी है श्रुति की। शक्ल दिखाओ, गई है नहाने और हम कर रहे हैं वेट बिग बॉस देख के, तो आप भी देखिए। जितना मैंने सोचा था यहाँ मुश्किल आता है खाने की, उतनी तो नहीं है। श्रुति की मम्मी लाई है हमारे लिए कचौड़ी, आलू की सब्जी, और ये है रायता, ये है मिर्च, और हम देख रहे हैं बिग बॉस, जिसमें एल्विश को बहुत इग्नोर करा जा रहा है। इस आदमी के जो भी आया है ये बिग बॉस में बार बार बोल रहा है वाइल्ड कार्ड है, वाइल्ड कार्ड है भाई। ये जानबूझ के बिग बॉस वाले ना जानबूझ के उसको अलग कर रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है। ये आदमी जो मोटा सा आदमी है ना, ये तो श्रुति की मम्मी नहीं आ रही है ब्लॉग के अंदर, वो कह रही है जब आपके 100K सब्सक्राइबर्स जाएंगे जब आएंगे, जल्दी जाके कर दो, 80 हो चुके हैं, सिर्फ 20 रह गए हैं, 20,000 कर दो डन इस हफ्ते के अंदर अंदर। क्या हुक्म का इक्का, इधर आओ खाओ और खिलाओ।
यहाँ पर वो थोड़ा सा रह गया आपका ना, ये वाला ब्लश रह गया था। खिलाओ ये आप, मुझे पैम्पर कर रहे हो ना। लाओ मैं इसको पैम्पर कर दूँ। खाते हैं फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सब कुछ खा जाते हो यार आप, ऐसे क्यों करते हो? आपने खाई मेरी सारी। मैंने तो कुछ नहीं खाई। कौन खा रहा है अभी? क्यों भाग रही इधर इधर? तो हमने फाइनली अभी लंच किया है। तो अब मुझे मूड स्विंग हो रहा है। अब हम बनाएंगे थोड़ी देर बाद। ये बोल के आया था मैं आपके लिए सैंडविच बनाऊंगा, पैम्पर करूंगा, खुद पैम्पर होके बैठ गया। मैं क्या करूं, दामाद की ज्यादा इज्जत हो जाती, मम्मी कर देती है, ये तो करती नहीं। मीठा दिखाए। जाओ सूजी का हलवा बना के लाओ। चला जाऊंगा ना, जा बेटा अभी जा। हटो मैं आपके लिए बनाता हूँ हलवा, बैठो जाके। नहीं मैं बना तो दिया। गैस का लाइटर का लाइट गैस की जरूरत नहीं है। आपको गैस जलानी नहीं आती है? हाँ। सिखाई? जाओ एक ग्लास पानी दे दो मेरे को बस। सब कुछ तो मैं दे रही हूँ, काले का पैंपर। तो इस पे हम डालेंगे एक चम्मच घी। पहले इसको रमा करेंगे। क्या करेंगे? रमा। रमा कहाँ? और ये ले लो या फिर दूसरा ऐसा हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। हाँ हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। जाओ जाओ अपना फोन लेके आओ। मैं आपको क्लोज अप भी तो लो क्या? तो इस गेम में ही लूँ माँ का खींचे क्योंकि वॉइस के लिए भी चाहिए होगा यार। एक दो सेकंड का ही टेक लेना है यार, पूरी सामग्री थोड़ी बनानी है। अरे उसको तो चलने दो, इसमें एक एक सेकंड मैं ले लूंगी ना। हाँ तो वही तो बोला देवी, कोई हमें कह रहा है डूब के मर जाओ दरिया में। कितना गोरा लग रहा हूँ मैं। तो आज गाइस हम बना रहे हैं आटे का हलवा, जो कि आपने अक्सर खाया होगा गुरुद्वारों में, और वही हलवा मैं बना रहा हूँ। और अभी तक कान गंदा है। हट क्या पैंपर करूँ मैं आपको। इसमें मैं डालूंगा शक्कर, घी, आटा, थोड़ा प्यार, थोड़ा प्यार और पानी। ये मैं बना रहा हूँ मम्मी के लिए। आपके लिए कुछ नहीं बना रहा क्योंकि आपको मेरी कदर ही नहीं है। नहीं छोड़ो, आओ दिखाओ मेरा हलवा देखो। सॉरी आटे बन रहा है रबड़ी, रबड़ी नहीं। अब इसको हम ब्राउन कर रहे हैं ताकि इसमें अच्छे से कलर आ जाए। ये बता दो, ये मैं अक्सर सत्संग में बनाता हूँ घर पे, गुरु जी का जो सत्संग होता है जब बनाता हूँ, या जब मेरा बहुत ज्यादा मन करता है खाने का जब बनाता हूँ, या कोई पेट से होता है तो बनाता हूँ। कोई मतलब कौन है, कौन है? अपनी बहन के लिए नहीं बना सकता क्या? ऐसे पूरा बोलो ना फिर। कोई और, आप हो और कोई जिसकी तबीयत खराब होती है उसके लिए भी बनाना पड़ता है। तो हमारा रेडी हो चुका है हलवा। हमारा मैंने बना, हमारा मेरा खाना तो मुझे है। हाँ तो बन तो ये खैर श्रुति को लिए रहा है। अब ये हो गया है ब्राउन और इसमें हम डालेंगे पानी और श्रुति हो जाएगी। पानी देखिए है, हाय ये क्या कर दिया, क्योंकि तो जिसको नॉलेज नहीं होती वो ऐसे करता है। नहीं बिल्कुल नहीं बोलूंगी। अब इसमें डल चुका है पानी। ऐसा पति भगवान सिर्फ मुझे दे। लोग कहते हैं ना सबको दे तो सबको मिल जाएगा, तो फिर मेरे को कहाँ से मिलेगा। I am so lucky to have you, Tushar. To have Bawarchi in the house. पूरा अलग है एक्सपेक्ट हो गया। अब इसको पकने के लिए लगेंगे 2 मिनट। अच्छा। जब ये अपना घी नहीं छोड़ देगा। Sorry guys.
खाने के साथ भी मैंने कुछ बोला गंदे डोला बढ़िया दिख रहा है डोला स्लाइडिंग अपडेट तुषार का हलवा थोड़ा सा खराब हो गया कोई खराब नहीं हुआ है भाई ये देखना खराब है बट मैंने इसको बोला है मैं खा लूंगी कोई बात नहीं खाना तो पड़ेगा चलो मैं थक गई हलवा बनवा के हलवा बना देंगे गाइस बीटीएस दिखाती हूँ इसकी इसको लग रहा है डर मम्मी से कि मम्मी ये ना देख ले कि मेरा हलवा थोड़ा सा जल गया था तो जल्दी जल्दी धो रहा है हाथ धो गए यार तो वो ऐसे गरम गरम थोड़ी धुलेगा उतार दिया ना थोड़ा सा चिपक कर ऐसा कौन करता है यार ये देख रहे कैसे धो गए शक्ल तो धुलते हैं मैं धो दूंगी मेरी इंसल्ट हो गई है बीटीएस दिखा दिया मैंने लो मैंने आपके लिए हलवा बनाया खा के बताओ कैसा है थोड़ा सा कच्चा लग रहा है भाई खाने में स्वादिष्ट है बट थोड़ा सा कच्चा है ये नहीं बोलना था मैंने बनाया है मैंने ही बनाया और सबने मैंने देखो रो दो ना थोड़ा सा एक रे थोड़ा सा रो दो ना सब कुछ बना के दिया तो है अब क्या दिक्कत आ गई है कूलर में बैठी है हवा आ रही है बिग बॉस चल रहा है हलवा खा रही है अब क्या चाहिए जिंदगी रो क्यों रही हो इधर आओ रो क्यों रही हो क्यों रो रही हो एक रीजन तो मैंने क्या कर दिया अब हैं अपने आप पे पहले डिसाइड कर लो आ किस पर आए क्या करना अच्छा बताओ मैं कर पाता हूँ बताओ क्या करना कुछ नहीं बताओ बाहर से चलो ना मैं बाहर कहाँ जाऊँ बता गर्मी में कहाँ लेके घूमूँ बता आपको जिया एल्विश को लाइक करती है क्या लगता है आपको अभी बोल रही कि मेरे को लगता है जिया ना कल से मैं इसको देख रही हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे एल्विश को लाइक करती है उसको उसके टेंशन पाने के लिए क्या क्या कर रही है पता नहीं कल से आप मेरे टेंशन पाने के लिए क्या क्या करती हो वाह भाई वाह औरतों का देखने का नजरिया कुछ और ही होता है वैसे बिग बॉस पागल हो गया दिखाओ शक्ल दिखाओ अपनी कैसे लग रहे जेल से छूटे हुए कैदी होता है ना जो मेंटल हेल्थ इशू की वजह से मैंने सोचा कि हम थोड़ी एक वीडियो बनाएंगे देखो वीडियो बनाने के लिए एक रिंग लाइट दो रिंग लाइट शीशा लाइटें ऐसे ऐसे बनती है वीडियो थोड़ी देर इसको कैसे छोड़ दूं मेकअप जरूरी है अब हमने खा लिया है खाना अश्रुति को कर लिया पैम्पर बट बेसिकली इसके पीछे हमारा मैंने कर लिया मेकअप हां मेरी बिल्ली रहेगी इसके पीछे बेसिकली मेरा मकसद ये था कि मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको पैम्परिंग की ज़रूरत है इसको हम बहुत नॉर्मल वे में लेना चाहते हैं बताना चाहते हैं कि इट्स वेरी नॉर्मल एंड सोसाइटी में ना लोग ये सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ है छी बहुत गंदा होता है तो नहीं भाई तो बहुत अच्छी चीज़ है और इसको मतलब ये नॉर्मली यार एक पार्ट ऑफ लाइफ है एक लड़की के ना आप बताओ अगर ये चीज बॉयज को हो रही होती तो शायद गर्ल्स भी इतना ऑकवर्ड रिएक्शन नहीं करते क्योंकि आज भी हमारे सराउंडिंग्स में कुछ ना कुछ दोस्त यार ऐसे हैं जो इस चीज को बहुत ज्यादा मतलब हाइप वे में लेते हैं कि नहीं यार वो हमारी बेइज्जती हो जाएगी हम ऐसे करेंगे तो शायद कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपनी गर्लफ्रेंड्स को पैम्पर नहीं कर पैम्पर मतलब ये नहीं कि आप बहुत उनको कुछ ला ला कर दो पता है सिर्फ थोड़ी सी केयर कई लड़कियां तो होती है कि मतलब जिम नहीं जाती मेरी वाली तो पहले दिन ही जिम जाती है मैं जिम भी गई थी ठीक है मतलब, और मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि मतलब हर किसी मतलब कुछ लड़कियां ओवर रिएक्ट भी करती हैं कई बार मैं एज अ गर्ल बता रही हूँ कि वो जानबूझ के अपने बॉयफ्रेंड से कलेश करना और वो चीजें करती हैं जेन्युइनली ठीक है मूड स्विंग्स होते हैं हम मान सकते हैं बट उस चीज को एक अपना की पॉइंट बना के दूसरे की लाइफ की बिल्कुल ऐसी तैसी करना उसके दिन खराब कर देना मेरे ख्याल से वो चीज बहुत गलत है ठीक है आपको पेन होता है हम मान सकते हैं हम समझ भी नहीं सकते उस पेन को कि वो पेन ऑब्वियसली जिसको होता है वो ही समझ सकता है बट उस चीज का हथियार बना के और किसी और को उस पर वार करना कि हाँ मेरे मूड स्विंग से इसलिए हमारी लड़ाई हो गई आपने मेरी केयर नहीं करी ठीक है केयर इट्स अ नॉर्मल पार्ट ऑफ लिविंग कि हमें हमेशा एक डेली बेसिस पे करनी चाहिए ऐसा नहीं है कि 15 दिन ज्यादा केयर होनी चाहिए बट ठीक है यस सो द कंक्लूजन इज इसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने की कोशिश करो अपने सराउंडिंग्स में दैट्स इट भाई मैं लेके आया हूँ ठीक है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हर चीज हर प्रिकॉशंस आप लेने जाते होगे ना जब तो तुम ये नहीं सोचते
कि हाँ भाई क्यों ले रहे हैं, शर्म आई। तो भाई हर चीज़ नॉर्मल है, इसको नॉर्मल तरीके से लो, ठीक है। अब धीरे धीरे टाइम चेंज हो रहा है, तो अपनी बुद्धि और अपनी सोच को भी चेंज करो। तो ओके गाइज, दिस इज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स बोथ, इवन द फैमिली मेंबर्स, इवन द पेरेंट्स, इवन द मदर फादर, जो भी इस चीज़ को बहुत टैबू लेते हैं, बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं, इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग, नॉर्मल थिंग है, और इसको हमें बहुत ईजिली लेना चाहिए, ठीक है। ये नॉर्मल लाइफ है। सो ओके गाइज, लव यू ऑल, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो बताना, नहीं आई है तो दूसरी वीडियो दोबारा बताऊंगा। ओके, बाय, लव यू, सब्सक्राइब।